तो वहीं फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली है। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी इस फिल्म को किवन राव ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रवि किशन, स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा बांटा और नितांशी गोयल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जहानू बरुआ ने 23 सितंबर सोमवार को घोषणा की। उन्होंने बताया कि फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 29 फिल्में भी इसमें थी। इनमें विकी कौशल की सैम बहादुर, रणबीर कपूर की एनिमल और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन प्रमुख थी। 13 सदस्यों की जूरी ने लापता लेडीज को चुना है। बता दें कि फॉरेन फिल्म कैटेगरी में कई देशों से फिल्में ऑस्कर में पहुंचेंगी। इनमें से ऑस्कर जूरी चुनिंदा फिल्मों को नॉमिनेट करेगी। अगले साल 17 जनवरी को नॉमिनेशन की घोषणा की जाएगी और 2 मार्च को ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी होगी। इसी में विनर्स का ऐलान किया जाएगा। अब तक भारत की तरफ से ऑस्कर के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 3 फिल्में मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान नॉमिनेट हुई थी। अब तक किसी को भी अवार्ड नहीं मिला। बहुत खुश हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी जिंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज वाजपेयी के साथ गई थी, ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान साहब को देना चाहता हूँ, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूँ और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई, भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा, ऑस्कर में देखेगा कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है, उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत, एक बेटी कैसे लड़ती है अपने सपनों के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत टच की। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मैं हूँ जो करप्ट रहता है लेकिन उसके अंदर एक मानव इंसानियत भी रहती है, तो वे देख के मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न।